नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के मेसेस विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को पटना के एक युवक ने करीब 9.44 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में कंपनी के अकाउंटेंट मंतोष कुमार सिंह ने बिहार के पटना निवासी अमित कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। मंतोष के अनुसार मेसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार में जल संसाधन विकास विभाग से कुंडघाट जलाशय योजना के तहत छलवार डैम बनाने का ठेका मिला था। पूरा ठेका 72 करोड़ रुपए का था। इसी कार्य के सिलसिले में पटना निवासी अमित कुमार सिंह ने खुद को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बताते हुए संपर्क किया। वो कई बार रांची में भी आया। बातचीत के बाद इकरारनामा के आधार पर काम के एवज में कंपनी के प्रबंध दिनेश ने SBI की पटना स्थित मुख्य शाखा में चालू खाता खोला। चालू खाता का कुछ सादे चेक पर हस्ताक्षर कर प्रबंध निदेशक ने अमित कुमार सिंह को दे दिया। अमित कुमार सिंह ने शुरुआत के वक्त बेहतर तरीके से काम किया और कंपनी का भरोसा भी जीता। कुछ समय बाद गलत तरीके से अमित कुमार सिंह ने मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शन के नाम से एक फर्म बनाकर 5.62 करोड़ रुपए अलग अलग तिथियों में स्थानांतरित कर लिया। अमित कुमार सिंह ने जलाशय परियोजना का काम भी रोक दिया और उसके बाद कंपनी के नाम पर विभिन्न आपूर्तिकर्ता के 3.82 करोड़ रुपए को भी हड़प लिया। इस तरह आरोपित ने कंपनी को कुल 9.44 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।